अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन में शहीद हुए नवनीत सिंह के अंतिम अरदास में बिलासपुर के देवडिबा गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस महासचिव ने शहीद नवनीत सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। गौरतलब है कि नवनीत सिंह 26 जनवरी को किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 25 वर्षीय नवनीत सिंह की हाल ही में शादी हुई थी। महासचिव प्रियंका गांधी ने शहीद नवनीत सिंह के अंतिम अरदास में कहा कि मुझे अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी नहीं भूल सकता। वो शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो। तो मैं जानती हूँ कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से दिबदिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी, और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है क्योंकि ब्यूरो रिपोर्ट रामपुर।